उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर आना यकीनन देशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। दोस्तों, वो परिवार जो अपने दुलारों की सलामती की दुआ मांग रहे थे, ईश्वर ने उनकी सुन ली। ये सुखद एहसास कि मौत को पछाड़कर कैसे वो अपनों के पास पहुंचे हैं, उन्हें ताउम्र याद रहेगा। अंधेरों से उजाले तक का ये सफर यकीनन दुनिया का सबसे हसी सफर था, जहां 17 दिनों तक इन श्रमिकों ने हिम्मत व साहस का दामन थामे रखा और अपनों से मिलने की चाह, यारों दोस्तों की यादों ने इन्हें टूटने नहीं दिया। एक शख्स और था जिसने इन मजदूरों की उम्मीदों की क्षमा को रोशन रखा, गब्बर सिंह नेगी। शायद इतिहास इस नाम को कभी याद ना रखे, मगर हम सब और ये 41 मजदूर जरूर याद रखेंगे। गब्बर सिंह नेगी, जिन्होंने अपने साथियों के मनोबल को बढ़ाए रखा। गब्बर सिंह ने बताया कि जमीन के नीचे 200 फीट अंदर 400 घंटे रहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने साथियों को शांत रखा कि बाहर जरूर निकलेंगे, परिवार से जरूर मिलेंगे, बच्चों को गले जरूर लगाएंगे। आपको पता है, जब बचाव दल के अंथक प्रयासों से बिल्कुल कुछ ही देर की दूरी रह गई थी, बाहर निकलने का वो भावुक क्षण आ चुका था, तो गब्बर सिंह ने अपनी टीम को कहा कि चलो साथियों, जाओ और अपने परिवार को अपने गले लगा लो, तुम सब एक एक करके निकलो, मैं सबसे बाद में निकलूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूं ना। दोस्तों, जिस शेर दिली से गब्बर ने अपनी टीम को बांधे रखा, जोड़े रखा, टूटने बिखरने नहीं दिया, यकीनन ऐसे रहमदिल टीम लीडर्स की दुनिया को बहुत जरूरत है, और पुखराज इस शेर दिल को सलाम करता है।